हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आपको बताएंगे कि पावर मिल 2010 में टैपिंग कैसे करते हैं। ये अपने होल हैं, ठीक है, ये अपना वर्क पीस है और ये अपन को M10 की टैपिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देन वर्क प्लान, वर्क प्लान एक्टिवेट एंड एडिट वर्क प्लान। ठीक है, ये वर्क प्लान हो गया, इसको अपन ऐसे क्लेम कर लेंगे। ठीक है, अब होल के अपन फीचर सेट कर लेते हैं। ये अपन होल इसके पकड़ लेते हैं यहाँ से, अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका एक उल्टा जो है बन गया है, तो इसको अपन रिवर्स कर लेंगे। फीचर सेट को एडिट रिवर्स सिलेक्टेड होल, ठीक है, ये ऊपर हो गया। अब टूल पाथ स्ट्रेटजी में जाएंगे अपन, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, ओके। टूल लगा देते हैं टैपिंग का, ये 10 mm का जो टूल है वो, ओके। ड्रिलिंग, यहाँ पे अपन टैपिंग कर देंगे। स्टार्ट वैल्यू 2 mm, पिच अपनी जो है 1.5 होती है 10 mm तक की, ठीक है। रैपिड मूव हाइट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी एक नंबर जो अपना वर्क प्लान है उससे, ठीक है। लिडलिंग फीड रेट या ऑटोमेटिक, जैसे अपन इसका 250 देंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कटिंग फीड रेट कैलकुलेट हो जाएगी ड्यू टू पिच, पिच से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऑटोमेटिक फीड अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टैपिंग का जो है अपना प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब इसको अपन टूल पाथ को अपन अगर निकालेंगे, सेटिंग, डेल कैम, पोस्ट प्रोसेसर, फाइल, जेनरिक, पानो, यहाँ कर देते हैं टैपिंग के नाम से राइट।
जैसे कि अपना एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है। और इसमें देखो ये जो टैपिंग साइकिल होती है G84, G99 की जगह G99 इसलिए क्योंकि -30 है, तो इसको अपन R जो वैल्यू है इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। R 13 mm से ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये और शायद अपने पावर मेल में भी अपने जो R वैल्यू होती है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये टैपिंग एक रिजिड टैपिंग है, तो रिजिड टैपिंग के लिए अपन को ज़रूरी है कि अपन M29 जो अपन यूज करें, ठीक है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक G80 कैंसिल कर देगा G84 को, और ये आपके कोऑर्डिनेट है और फीड के साथ चल देगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।